यहाँ पे सूर्योदय क्या मस्त होता है, एकदम बढ़िया सुंदर दिखाई देता है पहाड़ी के पीछे से हो रहा है। तो सब लोग उठ चुके हैं, इस साइड थोड़ा जल्दी से उग जाता है सूरज। और ये साक्षी सुबह सुबह झाड़ू मार रही है। आज इसके हाथों में झाड़ू अच्छा लग रहा है। मैं रोज करती हूँ। रोज नहीं करती है। मैं आपको भी बढ़िया से मार झाड़ू। और मैं तो सोच रहा था कि साक्षी खुद ही बोल रही थी कि मैं क्या कह रही थी कि मैं खुद काम नहीं करती, और आज इसने इतना सारा ये लकड़ी वगैरह सार दिए ये, और शर्मा भी रही है खुद ब खुद कामकाजी है कामकाज करने वाली है ये, ऐसे होते कामकाजी बच्चे। बहुत बढ़िया, सुबह से मेहनत कर रही है देखो। अरे गंदी हो गई है, धूल लग गई होगी बेचारी पे। तो साक्षी बहुत मेहनती है, कल मुझे कह रही मैं तो कुछ भी नहीं करती, मुझे कुछ भी काम नहीं आता, और आज ये सुबह से इतने सारे इसने ये लकड़ियां सार दी यहाँ पे। तो आ जाएंगे हम घूमने के लिए। तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। और जिस गांव में हम हैं, इस गांव का नाम है कफल गांव। यहां से चलेंगे आज घूमते फिरते, अभी प्लान बनाते दिखाते आपको हम कैसे कैसे जाने वाले हैं। आज का सफर काफी लंबा है, तो ये शुरू होने वाला है कफल गांव से। तो कफल गांव से यहां से जाएंगे हम घूमते फिरते, इस गांव का नाम है कुसाण गांव। यहां से जाएंगे इस धार 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 नीचे साइड में, और नीचे जाएंगे बिल्कुल जो ये वाली पहाड़ी देख रहे हैं, यहां से इस गांव की तरफ टर्न मारेंगे, फिर यहां से इस वाले गांव के, और यहां से इस गांव से ऊपर आएंगे। तो यहां से आते आते आज शाम हो जाएगी पूरा घूमते घूमते। तो चलिए फिर चलते हैं फटाफट से। कफल गांव को हम करेंगे कल एक्सप्लोर, तो आज हम लंबे रूट पे हैं, तो इस गांव को पूरा कैप्चर नहीं कर पाएंगे हम, सफर लंबा है आज का। तो पहले जाना है इस वाले गांव में, बू चरा रही है इधर बकरियां, इनके हैं 30-40 जीवन है, तो ये सब इधर ही चर रहे हैं। थोड़ा आजकल चरना वगैरह कम हो गया इनका। तो बू जी की सब तबियत पानी सब ठीक ठाक? बढ़िया बढ़िया रे। क्या होना था फिर नया ताजी? नया ताजे क्यों होना है? अच्छा बाकरो दगर दौड़ना यो दौड़े इंसान ही चाहे। अच्छा बाकर भी कुकरा कोई लियो इंसान था घर में बैठ जान जाए। तो बूबू जी कह रही हैं कि बकरियां तो बिका हुआ पर कोई लेने वाला है नहीं। इस साइड में खेती क्या हरी भरी हो रही है एकदम। सामने आप ये गांव देख रहे होंगे, ये गांव है कफल गांव, यहीं से हमने स्टार्ट किया। और बिल्कुल ऊपर चोटी में यहाँ पे उफरेखाल मार्केट है। तो गांव तो ये भी काफ़ी बड़ा भी है, और मकान फैले भी हैं दूर दूर तक है। अभी पहुँच चुके हैं हम कुरसाण गांव में। क्या हरी भरी खेती वगैरह हो रखी है। तो यहाँ पे ये कम ही परिवार रहते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे 10-12 घर ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे मुश्किल से। तो गांव के अंदर एंटर करते हैं, और यहाँ से काफ़ी दूर जाना है हमने, तो चलते हैं फिर यहाँ से भी, ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं इस वाले गांव में भी। कल एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई कि मेरा वीडियो बनाने वाला स्टैंड ही टूट गया, अब मुझे थोड़ा दिक्कत सी आ रही है उसके बिना। और अभी पहुँच चुके हम कुरसाण गांव में, यहाँ पे नारंगी वगैरह तो बहुत सारी हो रखी है, और इस पेड़ में कैसे करके ये लिटा रखा है कपड़ा वगैरह ताकि बंदर वगैरह ज़्यादा खाए ना। और ये है मौसमी, बड़ा ही अच्छी क्वालिटी के हैं ये केले। देखिए ये तो पेड़ पे ही पक रहे हैं, अब पीले पीले से हो गए ऊपर वाले, बहुत सारे केले वगैरह लगे हैं यहाँ पे भी। एक्चुअल में होता क्या है कि हम किसी के पास जाए ना तो लोग अचानक से शर्माने लग जाते हैं कैमरे के सामने आगे, और ठीक भी नहीं एकदम से कहीं पे जाना। और कई बार लोगों की इच्छा नहीं होती कैमरे में आने की, फिर वो कहते हैं कि हम क्या बोले, मतलब इस तरीके से हो जाता है थोड़ा बहुत, तो लोग आते भी नहीं है। और अब चलते हम अपना आगे के सफ़र में। ये है कुरसाणी गांव, यहाँ पे रहते हैं करंट में 8 परिवार, और 8 ही परिवार यहाँ से प्लान भी कर चुके हैं। मैं पहले भी बता रहा था प्लान कुछ ऐसा है कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, और इस साइड से जाएंगे घूमते फिरते, और इस साइड से धारदार, और नीचे इस वाली पहाड़ी पे ये वाला गांव, और इस साइड से पल्ली साइड से घूमते हुए इस गाँव होते ऊपर। बस आज का मेरा इतना सा काम है, घूमना है और पूरा गाँव देख के आना है, घूम घाम के आना है। तो काफ़ी मजे आ रही है, अच्छा लग रहा है, अकेला ही हूँ, सोलो ट्रैवलर हो रहा है यहाँ पे, कोई भी नहीं है साथ में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और यहाँ पे एक रोड मिल चुकी है, यही रोड शायद जहाँ तक मुझे लगता है ये जा रही है देघाट मार्केट के लिए। फाइनल डेस्टिनेशन आप डायरेक्ट देख रहे होंगे नीचे जो गाँव है उस साइड में, तो यहाँ से पता नहीं चल रहा किस साइड जाएं, ये कुछ अजीब से ही रास्ते हो गए, और यहाँ पे क्या एकदम खाई जैसा है बिल्कुल ही नीचे की ओर। ये वाला गाँव देख रहे होंगे आप कितनी प्यारी लोकेशन में है।
अभी प्लान कुछ चेंज हो चुका है, तो यहाँ से जा रहा है ये बारीक सा रास्ता, ये जा रहा है सीधा गांव के बीचों बीच में और वहाँ से जाएंगे और ये सामने यहाँ पे ये रोड है, तो इस रोड में और इसके बाद सीधा इस वाले नीचे वाले गांव में जाएंगे घूमते फिरते। इस वक्त पहुँच चुके हैं हम ये मन्यार गांव में, बड़ा गाँव है। और यहाँ पे यहाँ से जा रहा था तो यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है। नमस्कार बोड़ी, तापयाल गांव है, यहाँ बोड़ी भी देख रहे हैं। कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे ये मकान, पुराने जमाने के से। हाँ बोड़ी जी की आवाज़ खतरनाक है, अच्छी जगह है, अच्छे मकान है। और सब ठीक ठाक बोड़ी? हाँ सब बढ़िया। तो ये है मन्यार गांव, मन्यारी गांव चले, मन्यार गांव। अच्छा तो हमें पता नहीं था, हम तो ऐसे ही आज गश्त पे निकले थे, यहाँ पे चल रही है किसी की पूजा और यहीं पे आ रखे हैं, यहाँ पे लगाया कमेंट्री बॉक्स और यहाँ पे चल रहे मैच वगैरह। मुझे पता भी नहीं था ये पहाड़ी के दूसरी साइड ये जगह है ना, उस साइड बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे घर के पासों में जो खेत हैं, आजकल मैं पहले ही कहा था लास्ट टाइम कि 6 महीने ये खेत खाली रहते हैं, फिर उसके बाद बोई जाएंगे इनमें गेहूं वगैरह। और ये तो वही है पवन ढोंडियाल यार जो लास्ट टाइम मिले थे, यहाँ भी पहुँच गए मुझे लग रहा है बबलेश वगैरह सभी लोग, क्रिकेट मैच चल रहे हैं यहाँ पे भी। तो कुछ अजीब से ही खेत है, 15,000 का ये मैच है, छोटा सा मैच है, ये टीमें भी ज़्यादा नहीं आई, दो ही टीमें दिख रही है यहाँ पे। ओ हाथ की कैच छूट गई, कीपर ने छोड़ दी है हाथ की कैच, बहुत ही बढ़िया सिंपल सी कैच थी। अभी टाइम हो चुका है 12 बज चुके हैं और काफी देर थोड़ा हमने मैच भी देख लिया, पर सफर आज का लंबा है। अभी हमने उस साइड जाना पल्ली छाल, ये जो बीच में नदी पड़ती है उसके उस साइड में, तो फटाफट चलते हैं, कहीं पूरा दिन यहीं रह गए और हमने कवर करना है ये एरिया पूरा, घूमना है। मजा आ रही है वैसे इस साइड में घूमते घूमने में भी। ये जो गाँव है इस गाँव का नाम है बसोल, गाँव के अंदर एंटर करते हैं अब, काफी फैला हुआ है ये गाँव भी, खेती बाड़ी भी इनकी अच्छी है। गांव तो बड़ा है, ऊपर साइड में भी मकान है, मकान काफी दूर दूर है। एंट्री करते हैं इस गांव के अंदर से, घूमते हुए जाएंगे। और ये बसोल गांव में आके ना यहाँ पे सब्सक्राइबर मिल गए भाई साहब, यहाँ पे भी मतलब इतनी दूर आ रखे हम, यहाँ तक भी हमें लोग पहचानते हैं, ये भाई जी भी पहचानते हैं। इस साइड आया भाई जी, कह रहे हैं कि बल पहचाने पहचाने से लग रहे हैं। और भाई जी का शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सूरज सिंह रावत। सूरज सिंह रावत भाई जी, मिलके अच्छा लगा, आप इसी गांव के हो क्या? जी इसी गांव के ही है। अच्छा, और यहाँ पे कह रहे बसोल गांव में 120 परिवार रहते हैं, उससे ज्यादा ही होंगे, ज्यादा ही होंगे। और ज्यादातर क्या है कि यहाँ पे ना पलायन वगैरह हो चुका है, इस वजह से लोग सब शहरों की तरफ चल गए। और जिस जगह में अभी हम खड़े हैं यहाँ पे ना, ये ऊपर मन्यार गांव हो गया चाहे बसोल हो गया, ये आती है पौड़ी गढ़वाल के अंदर आती है, कुमाऊं में नहीं आती, कुमाऊं आती है देघाट। तो देघाट भैया जी यहाँ से कितना किलोमीटर होगा अंदाजे से? यहाँ से अराउंड आपको मांगे चलिए 60-70 किलोमीटर, इतनी दूर है देघाट। और देघाट भी जाना है तो इस साइड से? हाँ, से देघाट जाता है। अच्छा, ये जो रोड जाता है सब देघाट। तो यहाँ पे भी आके काफी अच्छा लगा, आज मैं स्पेशल घूमने के लिए आ रखा हूँ, ये जगह एक्सप्लोर करने के लिए आ रखे हैं, तो मजा आ रहा है इन जगहों में घूमने में, मजा तो खैर आता है पहाड़ों में। हाँ मजा तो आती है पहाड़ों में, और अब हम जा रहे हैं, और खासकर नई जगहों में ना घूमने में काफी मजा आता है। तो हम जा रहे हैं ग्वाल, वैसे अपने मतलब ग्वाल यानी कि गाय बकरियों के साथ। हाँ वैसे अपने भाषा में बोले तो गोरे खतरे। अच्छा अच्छा, तो ठीक है बढ़िया है। और यहाँ पे बुआड़ा जी भी बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं। आजकल जिस हिसाब से यहाँ पे मौसम वगैरह और रखा है सर्दियों वाला, उस हिसाब से यहाँ पे सर्दी लग नहीं रही है ना भैया जी? बहुत गर्म, हाँ गर्म वगैरह हो रहा है, काल में होती है। यहाँ पे है डांग गाँव, मिल रही है जगह काफी नई है, तो हम चलते हैं घूमते फिरते भी। बैठो भैया जी आप, है ना, मिलके अच्छा लगा आपसे। यहाँ पे गांव के बीचों बीच में बद्री विशाल भगवान का मंदिर, किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने में तभी मजा आता है जब वहाँ का कोई किसी गांव का लोकल थोड़ा बहुत बता दे, तब अच्छा लगता है, उस गाँव के बारे में थोड़ा जानकारी वगैरह मिल जाती है। और अकेला आदमी तो चलो जैसे मैं तो देख लूंगा, मेरा मन उसी से ही बढ़ जाएगा, पर आप लोगों को भी दिखाना बताना भी पड़ता है। ऊपर वाला हो गया मन्यार, ये हो गया बसोल। तो मकान इस साइड में ना काफ़ी फैले से हैं, एकदम क्लियर ड्रोन से ही दिखाई देंगे यहाँ के मकान। और कुछ बच्चे यहाँ पे भी है, नमस्ते बोला, ठीक छाई, ठीक हो? आप ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल एकदम मस्त बढ़िया। और यहाँ से जाएंगे अब हम घूमते फिरते।
अभी क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा गलत चले गया, अब मैं इस साइड को आ गया। अब मुझे जाना था यहाँ से इसी साइड को नीचे जाना था। ये चीजें हो जाती है। बसोल गांव वालों की खेती ना कुछ इस टाइप में है। यहाँ पे देखिए पलायन की वजह से पूरे के पूरे जो ये खेत है क्या झाड़पात हो गई है, बसिल झाड़ हो गया, तो यहाँ पे पूरे एकदम खेत बंजर हो चुके हैं। ये अब ये दिखाई भी नहीं दे रहे कि किसी एंगल से ये खेत रहे होंगे किसी टाइम पे, और जबकि ये नदी के पास है ये जगह। अभी रास्ते का भी पता नहीं चल रहा, मैं पता नहीं किधर से आ रहा जा रहा हूँ, उल्टा आ गया मैं शायद, अब कन्फर्म नहीं हो रहा क्योंकि नदी पार जाना है मुझे अब, तो मैं शायद से गलत पहुँच गया, रास्ता ही मैंने गलत पकड़ लिया। मैं आ गया ये त्रिवेणी पे जो यहाँ का शमशान घाट वगैरह होगा। अब यहाँ से पता नहीं किस साइड को है रास्ता, उल्टा आ गया। अब हम नदी नदी चलते हैं, अब बनेगी मैन वर्सेस वाइल्ड। अब यहाँ से बाहर निकलना है पहले इस जगह से। खैर पानी तो यहाँ पे संगम बन जा रहा है दो नदियों का, फिर यहाँ से नीचे जा रहा है। ये पत्थर तो बहुत बड़े हैं यहाँ पे। यहाँ से चलेंगे हम घूमते फिरते, घर पहुँचना है शाम को बस, चाहे हम कहीं से भी जाए। पहले मैंने समझा कि मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया, एक्चुअल में मैं सही रास्ते आ रहा था। फिलहाल तो मैं पहुंच चुका हूं अभी बगड़ियाल गांव के नीचे ही हूं, और यहां पे मिला मुझे धीरू। क्या हाल है धीरू? ये ले, वो तो सही हुआ मैं गलत रास्ते चले गया था, अभी मैं सही रास्ते आ गया। तो धीरू क्या करनी चाहिए? गुड़ दगड़ चाहिए, गुड़ चरानी चाहिए, फिर अच्छा धीरू आ रखा है दोस्तों के साथ बैठ। हाँ अरे वाह क्रिकेट खेल रहा है धीरू, यहाँ पे इनका ग्राउंड है ये रहा। तो हम चलते ऊपर गांव में और यहाँ से घूमते फिरते, सफर लंबा है और कहीं अंधेरा वगैरह ना हो जाए इस बात की भी डर है। और बगड़ियाल गांव में आके मिली है हमें बोड़ी जी। तो बोड़ी जी इस गांव में कितने लोग रहते हैं? 40 परिवार यहाँ पे रहते हैं, तो मतलब ये भी काफी बड़ा गाँव है और यहाँ से तो देख के बढ़िया लग रहा है। और इधर की जो खेती वगैरह है सब चलती है ना बोड़ी? परिवार 40 परिवार बताना थे, 40 मटका मतलब 40 मोर अंधी छोड़ के कत चल गयी? अरे अच्छा 10-12 परिवार बोड़ी जी कह रहे हैं कि छोड़ के चले गए, मतलब शहरों की तरफ चले गए नौकरी वगैरह करने के लिए। तो ये है बगड़ियाल गांव, काफी मतलब एक सामने नहीं है मकान वगैरह, काफी दूर तक फैले हैं, छाटे छाटे मकान है काफी, और ऊपर तक है बिल्कुल। ऊपर भी जाएंगे एक बार, ऊपर से भी दिखाएंगे और पूरा गाँव दिखाई देगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे टोटल 40 परिवार गाँव में रहते हैं, और यहाँ भैजी लोग और ये बूबू घर पे मिली है बूबू जी। तो काफ़ी अच्छी जगह, गांव भी अच्छी लोकेशन में बसा है, तो बड़ा ही प्यारा गांव है। इस साइड में तो सारे मकान एक साइड में ही हैं, ऊपर है थोड़ा छाटे छाटे से परिवार, दूर दूर है मकान। और जो आपको ये इस साइड में गांव दिख रहा होगा, इस गांव का नाम है डांग। हाँ, वो जो सामने डांग गांव। हाँ। और हम आए इस साइड से, ये ऊपर वाला देख रहे होंगे, ये है ऊपर वाला गांव मन्यार। हाँ, उसके नीचे बसोल, बसोला, और यहाँ पे आके बसोला के बाद यहाँ पे मिल गए बगड़ियाल गांव में। हाँ, बोड़ा जी। हाँ, बोड़ा जी। तो बोड़ा जी आपके गांव अच्छा लगा घूम के? हाँ। दो शब्द आप भी बता दीजिए अपने गांव के बारे में, कुछ इतिहास वगैरह कुछ हो यहाँ का। जी जी जी, कुछ है ऐसा है, हमारा ये गांव तो बहुत जो है बहुत प्रसिद्ध है पहले, बहुत पहले से। अच्छा। यहाँ लोग, यहाँ हमारे गांव में बड़े बड़े सेठ और धनवान हैं और सौकार जिनको बोलते हैं। हाँ, हाँ, और पढ़े लिखे भी हैं जो कि यहाँ के वैज्ञानिक वगैरह है, गांव से गए हुए पढ़ लिख करके। अच्छा। यहाँ से जाते थे मानिला जाके पढ़ के आए हैं। अच्छा, देहरादून में पढ़े कोई तो आगे बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ गए, बहुत आगे। और हम भी प्रदेश में हैं। अच्छा। मैं भी 15 साल से प्रदेश निकल गया था। अच्छा। आज 74 ईयर्स का हो गया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी भी जो है अब रिटायरमेंट हूँ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड से। अच्छा। पेंशनियर हूँ। अरे वाह। और यहाँ हमारे गांव में पूजा हुई थी। अच्छा, तो अच्छा। पूजा हुआ, हमें आना पड़ता है थोड़ा सा, बस इसीलिए जो है। हाँ ठीक है। आजकल आप गांव में या प्रदेश में? बस मैं अब गांव में, प्रदेश में ही हूँ। ये मेरा एक छोटी सी झोपड़ी है यहाँ पर। अच्छा। हमारे बुजुर्गों के बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये छोटी सी झोपड़ी है ये। हाँ, हाँ, तो कुछ नहीं कर पाए, वो हमारे पिताजी ने बनाया था। अच्छा। हाँ, अब हमने जो भी बनाया वही बनाया यहाँ। सच बताओ, अच्छा एक बात सच बताओ, आप अच्छा कहाँ लगता है वैसे आपको? नहीं लगता, यहाँ जन्मभूमि हमारी, यहाँ अच्छा लगता है हमको।
तो जन्मभूमि जन्मभूमि होती है और पहाड़, और एक तो हम पहाड़ों में ही है वैसे भी, तो यहाँ पे तो काफी अच्छा वैसे ही लगता है हमें, पहाड़ के पहाड़ भी, देवभूमि भी, और अपनी जन्मभूमि अपनी होती है। तो अच्छा लगा बोरे जी आपसे मिल के, आपने काफी कुछ बताया इस गांव के बारे में। मेरा अच्छा, मेरा नाम तो नोट कर लो इसमें। हाँ जी, उमराव सिंह रावत। अच्छा हाँ। अरे काफी बढ़िया लगा। सन ऑफ काम सिंह। अच्छा, जो बगड़िया, हमारे जाति वैसे बगड़ियाली है। अच्छा, और ये इसी, हम ये कहते हैं हमारे, ये सबसे पहले हम इस गाँव आए थे। अच्छा, इसलिए इस गाँव का नाम है बगड़ियाल गाँव पड़ा। अच्छा, जाति के नाम पे गांव का नाम। हाँ, हमारे जाति के नाम से बगड़ियाल गांव पड़ा। तो आपने कहीं खाना ना खाया कि नहीं? खाना वगैरह तो नहीं खाया। अच्छा, तो नाश्ता करके आ रखा हूँ मैं अभी। अच्छा, हम भी हमारे यहाँ कुछ नहीं, खाने पीने का कोई वो नहीं है। अच्छा, हमारे वो ना भाई लोग, हमारे भतीजे लोग जो ऊपर है। अच्छा, वहीं से मैं तो खाना खाना खा के आ गया। ऊपर पूजा चल रही थी। पूजा हो गई, मतलब वैसे घर का जो, तो ठीक है, बढ़िया। हाँ, तो मेरा सफर आज का बोरे जी लंबा है, मैंने बता दिया ना, यहाँ से किमोज, किमोज के बाद भैड़गांव, भैड़गांव के बाद कफल गाँव होते हैं, उफरे खाल, ऐसे करके जाना मैंने। ठीक है, आप बैठो, बहुत अच्छा लगा बोरे जी आपसे। धन्यवाद। ओके, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, आपका व्यवहार से बहुत अच्छा लगा। अरे व्यवहार आपका बढ़िया है, हम तो बच्चे हैं आपके सामने, हमारा तो व्यवहार बड़ों के लिए होना ही चाहिए। हमारा तो आशीर्वाद है, हमारा तो आशीर्वाद है आपके ऊपर, हम तो आशीर्वाद दे सकते। तो आप बैठो है, रेस्ट करो, जरा हम एक चक्कर मार के फिर निकलते हैं आगे। तो ओके कार बोरे जी, और यहाँ पर बोरे जी भी ये पानी चार रहे हैं, और ये प्याज लगा रखे, आज ही लगाए इन्होंने, तो बढ़िया से पानी वगैरह चार रहे, इसकी रोपाई कर रहे हैं। प्याज एकदम बढ़िया से हो जाए तो फिर प्याज खाएंगे बोरे जी आराम से। हैं मन्यार बसूल ये वाला गांव है बगड़ियाल। तो कुछ ऐसा लंबा सफर रहा, नीचे नदी के रास्ते से आया, अब यहाँ से जाएंगे घूमते फिरते अपना किमोज गाँव के लिए। और कुछ मकान इस साइड ऊपर साइड में भी है। नमस्कार बोरे जी। और सब बोरे जी अरे यार, अच्छे खासे जवान लड़के को बोरे जी ने बोरे जी बना दिया यार, बोरे जी बोल रहे हैं आप मुझे। और सब ठीक ठाक ना? सब बड़े अबे आए कन भगना सी, यहाँ के बच्चे कैसे भाग रहे हैं मुझे देख के। काफी अच्छा लगा ये बगड़ियाल गांव में आके भी, और यहाँ से अब चलेंगे हम घूमते फिरते इस साइड में किमोज गाँव। नमस्कार बुबू। और सब ठीक ठाक बढ़िया? ये गांव नाम क्या आज बुबू? अच्छा, अभी हम आ गए कल्याण खाल में, तो नीचे था कल्याण खाल गांव। अभी चढ़ाई चल रहे हैं यार, अब सुबह से चल रहे, थक गए, 2:30 बज गए, और कल्याण खाल चलते हैं। वैसे भी किमोज जाना था, वहां कैंसिल हो गया, क्योंकि वहां का रास्ता ही, लोग भी कह रहे थे ख़राब है, जाने लायक रास्ता नहीं है। भूख लग गई, अब मेरे बुरा हाल हो गए भूख से, सुबह नाश्ता ही किया था, उसके बाद कुछ नहीं किया। तो फटाफट पहले मार्केट में पहुंच जाएं, फिर वहाँ पे जरा चाय पानी पीते हैं। ये है कल्याण खाल मार्केट, छोटी सी मार्केट है, और स्कूल है ऊपर यहाँ पे। आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सुबह से चलते चलते थक गए, आवाज़ नहीं रहेगी अब, मेरी ख़त्म हो गई आवाज़, पूरी एनर्जी ख़त्म हो गई आज की, थक चुके अब, जान नहीं बची शरीर में। और कल्याण खाल में ये भेजी बना रहे हैं यहाँ पे मिठाई, ये चंद्रकला बनाते हैं। अच्छा, अपने हाथ से बनाते हैं यहाँ पर। कितने प्रकार की मिठाइयाँ बनाते हैं आप यहाँ पे? मिठाई तो हम कई प्रकार की बनाते थे। अच्छा, वैसे तो आता तो आपको सभी होगा, पर आप यहाँ पे क्या क्या रखते हैं दुकान में बना के? हम चंद्रकला बनाते हैं, और मीठे समोसे बनाते हैं। अच्छा, जलेबी बनाते हैं, और बालूशाही बनाते हैं। सबसे ज्यादा कौन सी वाली मिठाई बिकती है? सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर चंद्रकला और बालूशाही और लड्डू बिकते हैं। अच्छा, मार्केट छोटी है काफी? ना छोटी है, पर गांव से लोग आ जाते हैं, आज छुट्टी का दिन है। अच्छा, तो भोजन वगैरह भी हो गया फिलहाल, अब सफर लंबा है, अब हालत जवाब दे गई मेरी, तो अब सुस्ती वगैरह आ रही है काफी ज्यादा। सुबह निकला मैं इस कोने से, सारा घूम के, ये सारे जितने भी गाँव है इस साइड से, ये गांव, ये इधर इधर, और यहाँ से आया मैं बगड़ियाल गांव से, ये चढ़ाई चढ़ के ऊपर, ये गांव है कल्याण खाल। यहाँ पे ये वाला भी कल्याण खाल ही है ये भी, और कल्याण खाल जो मार्केट है वो सेम यहीं पे ही है, तो काफ़ी नज़दीक है। आज वैसे भी काफ़ी लंबा टूर मारा है हमने, बहुत पैदल चले हैं, बहुत घूमे फिरे, और अभी भी सफ़र आधा ही है, अभी आधा ही सफ़र पूरा किया है, अभी बहुत चलना बाकी है। अब यहाँ पे से
पता नहीं अब किस साइड से जाना पड़ेगा, अब कुछ अंदाजा नहीं है। और यहाँ पे ये बच्चे आ रहे हैं क्रिकेट खेल के, कौन से गांव के हो सारे? अच्छा मुर्गा जीत के आ रहे हो, बगडाल गांव। कौन से गांव से जीत के आ रहे हो? चक्कर गांव से जीत के आ रहे हो। अब कितने से नीचे था मैच? 10 से नीचे। तू कितने में पड़ता है? 8 में। तो गजब हो गया रे, दो मुर्गे जीत के लेके आ गए हैं। तो ये गांव है डानखिल, यहाँ पे सारे मकान एक ही सामने है, कमी परिवार रहते हैं, बाकी जितने भी बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे तंबाकू खा रहे हैं, तंबाकू वगैरह पी रहे हैं, बैठे हैं, पत्ते वत्ते खेल रहे हैं। बड़ा ही प्यारा गांव है डानखिल। ये जो गांव है आमने सामने, ये है भेड़गांव तल्ला और ये है मल्ला यहाँ पे। तो मुझे जाना है यहाँ कफल गांव जो इस साइड है, ये कोने में। आज पूरा दिन लग गया, वो लगना ही था, रूट लंबा था हमारा। सारे बच्चे भाग गए भेड़ गांव के। ये बनो बल मेरे फोटो खींची थी, मेरे फोटो है। खुश हो गए बच्चे। चलो इधर आ जाओ, सारे के सारे लाइन से आ जाओ, सब आ जाओ इधर। खुश हो गए, थक गए यार हम भी अब। सावधान विश्राम। अरे वाह, क्या नाम है तेरा? तेरा क्या नाम है? तेरा अंशु। तेरा अर्चना। तेरा विकास। तेरा सोनी। तेरा नाम उसका नाम खांसी है, वो खांसी है ना। तेरा नाम कृष्णा। अबे नाक तो साफ कर ले बे कृष्णा के बच्चे। तेरा नाम क्या है? मोटी। मोटी पतली भी हो जा कभी, कम खाए कर। ओके सबसे मिलके अच्छा लगा, चलो बाय, हाथ मिलाओ। ए चलो अब मेरे थैले में लेके चले जाऊंगा सबको। तो ये है भेड़ गांव के बच्चे। अभी हम भेड़ गांव में एंट्री कर चुके हैं, इस साइड से मकान स्टार्ट हो जाते हैं। तो लास्ट टाइम आए थे हम अभी डानखिल गांव से। अब आवाज नहीं निकल रही मुंह से, अब थक गए ना ज्यादा, पाँव भी दर्द करने लग गए, अब थोड़ा पानी की भी प्यास लग गई। पर नल नहीं मिला मुझे कहीं पर, नल वगैरह दिखा नहीं। चलो ढूंढते इधर गाँव में बाकी लोग। अब फिर से शाम का टाइम हो गया, आजकल लोग खेतों में ही रहते हैं, जैसे शाम हुई ये भी निकल गए होंगे सब लोग अपने खेतों में। आज आ रखे हम उफरे खाल की एक कॉलेज में, स्कूल में, और मेरे साथ है यहाँ पे सौरभ भाई। हाँ मिलवाते हैं इनसे। भाई का नाम करण। करण ये यहाँ के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हाँ जी। और ये सौरभ सह सचिव है कॉलेज के। और आज आ रहे हैं हम यहाँ पे कॉलेज में, और कॉलेज दिखाते हैं हल्का फुल्का जितना भी कवर हो सके। और ये जा रहे हैं हम भाई लोगों की मदद से जा रहे हैं, तो परमिशन परमिशन है ना? हाँ तो वैसे एक्चुअल में यहाँ पे अलाउड नहीं है ज़्यादातर ब्लॉग ब्लॉग वगैरह बनाना। और ये बुंगदार की अंजलि। अरे तो यहाँ जाएंगे हम कॉलेज में। और अरे भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। ये भी मैच खेलने जाते हैं, सब आसपास के ही हैं, सारे जान पहचान वाले ही मिल रहे हैं इधर। तो एंट्री करते हैं, यहाँ दिखाते हैं आपको थोड़ा बहुत। मैं आज पहली बार आ रहा हूँ, वैसे मैंने कॉलेज तो किया नहीं, पर आज देख के ही आते हैं। कॉलेज घूम के हम खुद ही आ गए, सॉरी आपको नहीं घुमा पाए, वहाँ पढ़ाई चल रही थी बच्चों की। तो हमें यहाँ पे बस में कौन मिला है? मीठी। कल गए थे हम उफरे खाल में, मिली थी कल मीठी, आज यहाँ मिल गई बस में, सराय के जा रहे। इस समय पहुंच चुके हम जोगीमढ़ी मार्केट की साइड में। तो हमने ना जितना हो सकता था उतना कवर किया, माफी चाहेंगे। हमने काफी गांव है, जैसे भेड़ गांव हो गया, कफल गांव हो गया, यहाँ पे जाके मतलब कंफर्म पूरी तरीके से वीडियो बनाई नहीं, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, तो नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। तो इस समय हम जोगीमढ़ी मार्केट में, यहाँ से देखिए प्यारा सूर्यास्त भी हो चुका है। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, नाराज मत होना।